गाइस, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो रेस्टोरेंट होते हैं वो पीले कलर के होते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये रेस्टोरेंट पीले कलर के ही क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अनबिलीवेबल मैन, अनबिलीवेबल। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है इन चीजों पर। फैक्ट नंबर 10 फ्रेंड्स, जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, फाइटिंग नहीं मतलब मुंह से लड़ाई हो जाती है, जुबानी जंग हो जाती है, तो सामने वाले को मन भर के गाली देने के बाद आपके मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है अंदर ही अंदर। तो क्या आपको पता है कि उस अजीब सी शांति, उस अजीब सी सुकून को क्या कहते हैं? तो उस अजीब सी शांति और सुकून को कहते हैं लेलोजिया। मतलब दूसरे को गाली देने के बाद जो सुकून मिलता है हमको, उसको कहते हैं लेलोजिया। फैक्ट नंबर 9 फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हमारी चीनी भाषा। जी हाँ फ्रेंड्स, चीनी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या 1,20,000,000,000 है, और इसी लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है हमारी प्यारी सी भाषा हिंदी, और दूसरे नंबर पर आता है स्पेनिश भाषा, जिसके बोलने वाले लोगों की संख्या 40,000,000,000 है, और जो हमारे देश में सबसे ज्यादा मांग है इंग्लिश की, उसके बोलने वाले लोगों की संख्या 36,000,000,000 है, और वह तीसरे पायदान पर आती है। फैक्ट नंबर 8 फ्रेंड्स, याद करिए स्कूल टाइम का वो समय जब आपको अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग याद करने को दे दिया जाता था, तो 7 से 8 लेटर्स का वर्ड मीनिंग आपको बहुत मुश्किल से याद हो पाता था। लेकिन सोचिए अगर अंग्रेजी की दुनिया की सबसे लंबी वर्ड मीनिंग आपको याद करने को दे दी जाए तो क्या होगा? फिलहाल छोड़िए इस बातों को, इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको दुनिया की सबसे लंबी वर्ड मीनिंग की, इंग्लिश की सबसे लंबी वर्ड मीनिंग। तो ये है इंग्लिश की सबसे लंबी वर्ड मीनिंग। मैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ इस वर्ड मीनिंग को, क्योंकि इस वर्ड मीनिंग में टोटली 45 लेटर्स हैं, 45 अक्षर हैं इस वर्ड मीनिंग में। अगर आपने इसको पढ़ लिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पढ़ लिया। फैक्ट नंबर 7 फ्रेंड्स, ये जो हाई हील्स होती है ना, जिसको महिलाएं पहनती हैं अपने पैरों में, तो क्या आपको पता है कि ये जो हाई हील्स है ये पुरुषों के लिए डिजाइन की गई थी, यानी हम सभी लड़कों के लिए हाई हील्स डिजाइन की गई थी, लेकिन लड़कियों ने ज्यादा मर्दाना दिखने के लिए ये हाई हील्स पहनना शुरू कर दिया, और अब वही ये पहनती है हम लोगों के फैशन से, ये गायब हो गया। फैक्ट नंबर 6 फ्रेंड्स, ये जो कार एक्सीडेंट है ना, ये अपने घर की मुर्गी हो गई है, मतलब कभी भी हो रही है। तो आप लोगों ने सोचा कि ये मुर्गी ने सबसे पहले अंडा कब दिया था, मतलब सबसे पहले कार एक्सीडेंट दुनिया में कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये पहला कार एक्सीडेंट हुआ था अमेरिका के ओहियो में सन 1891 ईस्वी में, जब दो कार आपस में भिड़ गई थी। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के ओहियो में हुआ ये कार एक्सीडेंट लाखों करोड़ों लोगों की मौत का उद्घाटन था, क्योंकि उसके बाद तो जनसंख्या से भी तेज कार एक्सीडेंट बढ़ रहे थे। फैक्ट नंबर 5 फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना ओम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदास में, और हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, इसके हर पार्टिकल में, हर कण में ओम प्रेजेंट है, ओम उपस्थित है हर पार्टिकल में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने संयुक्त रूप से सोहो में सूर्य से निकलने वाली एक साउंड का एनालिसिस किया, सूर्य से निकलने वाली साउंड का एनालिसिस। तो उनको पता चला कि जो सूर्य से साउंड निकलती है ना, सूर्य से जो साउंड निकलती है उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है, ओम की ध्वनि। फैक्ट नंबर 4 फ्रेंड्स, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक आर्टिस्ट ने एक चित्र में बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। तो ये रहा वो चित्र। इस चित्र में बंदर, हाथी, मछली और कुत्ता सभी एक लाइन में खड़े हैं, और सभी की क्वालिटी अलग अलग है, फिर भी एक लाइन में ये लोग खड़े हैं, और सामने एक टीचर बैठा है जो सबको एक ही प्रकार का एग्जाम, यानी उस सामने वाले पेड़ पर चढ़ने के लिए कह रहा है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही हाल है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। एक ही क्लास में फ्यूचर के नेता, स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक और पता नहीं क्या क्या बैठे होते हैं एक ही क्लास में, लेकिन सबको एक अलग प्रकार की खोखली परीक्षा पास करने को बोलता है हमारे ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीनियस सभी है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से जज करोगे ना, तो वह सिर पटक के मर जाएगी, लेकिन कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि उसकी एबिलिटी तो पानी में तैरना है, आप उसको पेड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो।
साथ मेरे को थ्री फ्रेंड्स, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जो लड़कियां होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, उनके बचपन में ही कान में छेद कर दिया जाता है, यहाँ पर कान में छेद कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि कान में छेद क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कान में छेद करने से कान के सेंटर पॉइंट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमको किसी बात पर ज्यादा चिंता करने यानी OCD और इसके साथ साथ ही मानसिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए लड़कियों के कान में छेद किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने 4 व्हीकल्स यानी 4 पहियों वाली गाड़ी खरीदी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि कार के ठीक पीछे एक नंबर प्लेट होती है जिस पर आपके कार का नंबर लिखा होता है। लेकिन स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, उनकी कार पर अब तक प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट उनके कार पर नहीं है। साथ में वनफ्रेंड्स, ये जो रंग बिरंगी दुनिया है ना, इसमें जितने भी कलर प्रेजेंट करते हैं, जितने भी कलर हैं इस दुनिया में, वो हमारी बॉडी को कई प्रकार से इफेक्ट करते हैं। जैसे एक कलर है पीला, येलो कलर है, ये हमारी भूख को बढ़ाता है, हमें भूखा बनाता है और हमारी भूख को बढ़ाता है। अब समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट पीले कलर के ही क्यों होते हैं। So that is for today guys, if you enjoyed the video please hit the like button and share the video with your friends and do not forget to subscribe also. So meet you in the next video, bye bye.